हेलो फ्रेंड्स, श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बायो एंजाइम है हमारे पास। तो दोस्तों, ये बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं, ये बहुत लोगों को, गार्डनर को पसंद है, क्योंकि वो हरदम बनाते रहते हैं अपने गार्डनिंग के लिए, अपने पौधे के लिए, जो कि बहुत लाभदायक होता है। तो दोस्तों, बनाते तो सभी हैं, लेकिन हम मेन इसमें चर्चा करेंगे कि उसको हम लंबे समय तक कैसे स्टोर रखें। क्या एक बार का बनाया हुआ है बायो एंजाइम हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं? एक या दो प्रकार का बनाते हैं या तीन प्रकार का, छोटे छोटे बाटलों में जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई मटेरियल ज़्यादा रहता है और उसको हम बड़े पॉट में बना लेते हैं, दो दो लीटर के बॉट, तीन तीन लीटर के, कि चलो ये बना रहे, तो उसको हम कैसे स्टोर करें? जैसे हम लोग अचार भी रखते हैं, अगर सही तरीके से रखते हैं तो एक एक साल, दो दो साल तक चलता है, पुराना अचार फायदेमंद होता है। अगर हम तरीके से नहीं रखें तो वो ख़राब होता है। इसी तरह हम बायो एंजाइम अगर अच्छे से बनाते हैं तो वो फ़ायदा भी करता है और नहीं तो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन जब ज़्यादा बना लेते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम उसको लंबे समय तक स्टोर कैसे रखें। भाई, उसको भोजन भी तो देना पड़ता है, तभी तो जो गुड बैक्टीरिया है वो भी ज़िंदा रहते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। हम उनको ज़िंदा कैसे रखें? वही गुड बैक्टीरिया जो है हमारे पौधे की सेहत को, हमारे मिट्टी की सेहत को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, ये मैजिकल बायो एंजाइम जो है बहुत ही अच्छी होती है हमारे पौधे के लिए, हमारी मिट्टी के लिए। तो दोस्तों, पूरा देखिएगा वीडियो, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, तभी जानकारी आपको समझ में आएगी। और थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये जो बायो एंजाइम है पौधे की स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पौधे को चमकदार और हरा भरा स्वस्थ रखने के लिए हम बायो एंजाइम तैयार करते हैं और मिट्टी में देखते हैं। ये मिट्टी की ऑक्सीजन भी बना के रखता है, मिट्टी को स्वस्थ रखता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि हम कहीं चले जाते हैं या कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या कभी कोई व्यस्तता हो जाती है तो हम कौन सी खाद अपने पौधे को दें? तो ये बायो एंजाइम अगर हमारे पास रेडी रहता है, हम कई प्रकार के रख लेते हैं, तो हमको ये सुविधा होती है कि तुरंत हम डाल देते हैं मिट्टी में, हमको सोचना नहीं पड़ता कि क्या दें। और हम घर में जो पौधे लगाते हैं तो वो ऑर्गेनिक ही, हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक ही खाद मिले, क्योंकि उसको हम उपयोग करते हैं, सब्जियां हो चाहे कुछ भी हो, बाहर से क्यों लाएं। तो ये सब हमारे घरों में ही थोड़ी चीज़ों से ही बायो एंजाइम रेडी होता है, लेकिन वो फ़ायदेमंद बहुत होता है। और एंजाइम बहुत महंगा भी नहीं पड़ता दोस्तों, जीरो कास्ट में बन जाता है और हमारे गार्डनिंग को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक देता है। तो दोस्तों, ये एंजाइम काम कैसे करता है? दोस्तों, जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन को जब हम अच्छे से चबाते हैं तो एक लार बनता है और भोजन जल्दी पच जाता है, वैसे ही एंजाइम जो है हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मिट्टी उपजाऊ होती है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और मिट्टी जब स्वस्थ रहेगी, उपजाऊ बनेगी, ऊर्जावान बनेगी, तो स्वाभाविक है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधे स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ पौधे चमकदार रहते हैं और फलों फूलों की संख्या को बढ़ाती हैं। तो ये हमारा एंजाइम काम करता है। और दोस्तों, सभी लोग एंजाइम बनाना जानते हैं, पर जो नए गार्डनर हैं तो उसको ये बता दें, हम किसी भी सब्जी के छिलकों का या कोई सब्जी जिसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, जिंक वगैरह हो, फास्फोरस वगैरह हो, जिसको डालते ही हमारी मिट्टी, हमारे पौधे बिल्कुल अच्छी ग्रोथ करने लगें और उनमें फलों फूलों की संख्या बढ़ने लगे, तो ऐसे मटेरियल की हम बना लेते हैं जो हमारे किचन से निकलता है या कोई किचन से जैसे सब्जी भी होती है, उनके छिलके होते हैं, फल होते हैं, कोई अनाज होता है, ये सब बना लेते हैं। तो ये किचन से ही बनता है, बस उसको कांच की ग्लास में ना बनाए, फटने का डर रहता है, ऐसी प्लास्टिक की बॉटल में बनाए, छोटे बड़े जो भी आपके पास हो, बड़ा डब्बा भी है, ढक्कन अच्छा उसमें लगता है। तो क्योंकि हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं, बनाते हैं, तो ये हमारा हल्दी का है, ये हमारा नींबू का है, हमने छाना भी नहीं। वैसे कुछ लोग हैं तो छान के अलग रख लेते हैं जब रेडी हो जाता है ये, और ये अच्छे से 3 माह में रेडी होता है, ठंड में तो 3 माह लगते हैं, गर्मी में 2 से 2.5 माह में बन जाता है। और अगर हमको बहुत जल्दी आवश्यकता है, देखिए ये सब बन के बहुत दिनों से रेडी है, मैं यूज भी करती हूँ, दो दो इसको मैंने यहाँ तक बनाया था एक डब्बे और ख़त्म हो रहा है, इसको मैंने 2 डब्बे बनाया था,
इसका भी थोड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक डब्बा ख़त्म हो गया। और ये एलोवेरा का है और ये प्याज का है, ये अभी बने हैं, अभी ये मुश्किल से 25 दिन 30 दिन के होंगे, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर हमको आवश्यकता है तो हम डाल सकते हैं मिट्टी में, लेकिन अभी ये कम बना है तो इसकी उतनी गुणवत्ता नहीं है इसकी अपेक्षा है। अगर इसको एक ढक्कन एक लीटर में डालेंगे तो इसको दो ढक्कन एक लीटर में डालेंगे। तो ये सब है और उपयोग कर सकते हैं हम 15 से 20 दिन बाद। पर अगर ठंड में 3 माह बाद करें तो बेहतर रिजल्ट आता है, और गर्मी में 2 माह बाद। और किसी भी चीज़ का अगर हमने एक हिस्सा तीन हिस्सा यानी समझ लीजिए कटोरी में तीन हिस्सा हमने कटोरी में कोई सब्जियों का छिलका लिया है या कोई जिसका बनाना चाहते हैं नींबू वगैरह, 3 कटोरी है तो 1 कटोरी यानी 300 ग्राम है कोई सामान तो 100 ग्राम गुड़ डालेंगे और 1 लीटर 1000 ग्राम पानी डालेंगे। तो यह ऐसे समझ लीजिए कि 3 कटोरी मटेरियल है और 1 हिस्सा गुड़ और 10 हिस्सा पानी ऐसे लेते हैं। और बॉटल में इतना स्पेस ज़रूर दें, यहाँ तक ही भरें, हम तो अंदाज से ही डालते हैं। और क्योंकि इसमें एक गैस बनती है, गैस रिलीज हो 24 घंटे में हमको ढक्कन ढीला ऐसे करके करना ही है। और अगर आपको भूल जाता है तो हल्का ढक्कन को थोड़ा सा लूज कर दीजिए, तो इतना हल्का, तो ये गैस बहुत ढीला भी ना करिए फिर फंगस लग जाते हैं, हल्का रिलीज होती रहेगी अगर आप भूल जाते आपको ध्यान नहीं रहता, तो ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अब सवाल आया दोस्तों इसको हम स्टोर कैसे रखें, जैसे हमारी ये इतनी सारी बन गई हैं और इसकी नींबू की ख़त्म भी हो गई है, ये हल्दी की है, हल्दी हमारे पास बहुत थी तो हमें पास 3 पाव हल्दी थी, उसके हिसाब से मुझे इसमें गुड़ डालना पड़ा है और पानी डालना पड़ा है और ये चौड़ा डब्बा है। तो दोस्तों अब क्या एक बार बनाने के बाद कोई चीज़ 3 माह में रेडी हो जाती है तो क्या वो चलती रहती है? जी नहीं, 3 माह के बाद बनने के बाद हम 1-2 माह तक अच्छे से आसानी से यूज करते हैं, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाओं की संख्या रहती है, वही हमारे पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दही में खमीर उड़ता है, खमीर पौधे को खराब सामग्री को ख़राब कर देता है, हम उससे फेंक देते हैं, लेकिन एक खमीर होता है जो दही में वो हमको खाने लायक होता है, इसी तरह इनमें भी ऐसे रहती हैं। तो दोस्तों जैसे 3 माह में रेडी हुआ तो हम 1-2 माह तक यूज कर सकते हैं, इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है तो फिर उसको हम उसको भोजन देते हैं, जिससे हमारी ये गुड बैक्टीरिया बनते रहें और सालों साल 2 साल जब तक आपको चलाना हो ये चला दें, लेकिन बीच में इनको 1-2 माह बाद भोजन देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इनको हम भोजन देंगे, ये हमारे ये 5 महीने का हो गया है, तो एक बार मैं दे चुकी हूँ, अब मैं दोबारा डालूंगी, और इनमें अभी नहीं, अभी तो रेडी ही नहीं हुआ है, तभी उनको भोजन मिलेगा, वो भोजन खाएंगे और उसको हम इसी तरह के 1-2 साल तक अगर हमारे पास ज़्यादा है। और दोस्तों एक बार प्रोसेस जैसे हम नया बना रहे हैं एंजाइम तो 3 माह में कंप्लीट होता है, यानी 2 से 3 माह में, ठंड में 3 माह में, गर्मी में 2 से 2.5 माह में हो जाता है। इसके बाद जैसे हम पूरा यूज कर लिए और थोड़ा सा इसमें हमारा बायो एंजाइम बचा है तो जब दोबारा उसी में बना लेंगे तो फिर वो जल्दी, जैसे दही का जामन हम लोग डालते हैं ना, दही जल्दी एक बार जामन बन जाता है तो वही जामन दूध में डालते रहो, दही हमारी रेडी होती है, तो इसी में हम थोड़ा इसमें बचे तो वो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जल्दी डीकम्पोज करता है, तो फिर वो 1-1.5 महीने में अच्छा हो जाता है, उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाती है। पर जैसे अभी पुराना हो गया, 5 माह का हमारा बना हुआ है, 4 से 5 माह, बड़े आराम से मैंने वीडियो भी शेयर किया था, शायद अगस्त में मैंने बनाया था इसको, लास्ट अगस्त में, डेट मुझे भूल रही है। तो अब इसको मैं एक बार भोजन दे चुकी हूँ, दोबारा दूंगी। तो दोस्तों भोजन क्या देना है, तो भोजन इनको कुछ और नहीं देना, गुड़ देना है। ये जैसे इसमें अभी पानी पूरा भरा है, ये बना हुआ दूसरा डब्बा मैंने यूज किया था, नींबू हमारे पास बहुत आ गए थे बरसात में और जल्दी ख़राब होते हैं, सस्ते होते हैं, मैंने 2 डब्बा बनाया था, तो इसको अभी मैंने 1-2 ढक्कन ही यूज किया, ज़्यादा नहीं किया। तो इसमें हम भोजन एक बार डालेंगे, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर समझ लीजिए कि थोड़ा कम हो रहा है और इसमें है तो थोड़ा पानी और गुड़ दोनों डाल सकते हैं और हम पौधे को दे सकते हैं। तो गुड़ इसमें ये पुराना हो तो बहुत ही अच्छा है, और नया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी चल जाएगा। तो हम ये बना बनाए तो सिर्फ इतना ही हम 15 से 20 दिन में गुड़ डालेंगे, जो गुड़ बैक्टीरिया मरे ना, जीवित रहें और हमारे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाती रहे, इतना ही ये देना है। तो दोस्तों ये ज़रूर दें, और ये वाला ज़्यादा है तो उसमें मैं इतना गुड़ इसकी ज़्यादा मात्रा डालूंगी, ये बस, और ढक्कन को लगा देना है। और जब आप चाहें पौधे पॉट मिट्टी के हिसाब से आप
एक लीटर पानी में एक से डेढ़ ढक्कन डाल के स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चमत्कार लाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। नमस्कार दोस्तों, और इसको छाया में ही बना के रखें, और इसको जब मिट्टी में दें तो पौधे मिट्टी में सुबह या शाम को दें, किसके गुड बैक्टीरिया ख़त्म ना हो।